केसरिया प्रखंड क्षेत्र के गौछी कोंडवा के निवासी इश्तियाक अहमद खां एक मुस्लिम परिवार ने पेश की मिसाल। पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया के पास कैथल वालिया के विराट रामायण मंदिर बन रहा है। यह बिहार का सबसे ऊंचा भव्य मंदिर होने के साथ ही देश के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। मंदिर की खास बात इसकी ऊंचाई है, लगभग 270 फीट ऊंचा, 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। इस मंदिर के निर्माण में एक मुस्लिम परिवार ने मिसाल पेश की। वहीं इश्तियाक अहमद खां ने बताया कि अपना 23 कट्टा जमीन दान किया, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केसरिया निबंधन कार्यालय में जमीन का पेपर भी तैयार कर दान पत्र हुआ। वहीं पर विराट रामायण मंदिर के सचिव श्री लल्लंती ने बताया कि इश्तियाक अहमद खां निर्माण समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। श्री कुणाल जी एक प्रोजेक्ट लेके आए थे मंदिर का, तो ये कोठलिया में, तो जमीन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लोकल लोग जमीन लेना नहीं चाह रहे थे। मैं थोड़ा सा आकांक्षा था कि बनेगा मंदिर कि नहीं बनेगा, तो हमारे चचा थे जैनुल हक खान, वो पहले बढ़ के जमीन दिए उसमें बहुत मिनिमम रेट पर, वहाँ से काम शुरू हुआ और आज के रेट में मंदिर जो है मेन मंदिर का जो स्थापना होगा वो हम ही लोग के मुख्य ज़मीन पर होगा। उसमें से कुछ हमारी ज़मीन रह गई थी, बाकी जो हमने निशुल्क रजिस्ट्री किया, मंदिर को दान दिया। वो अर्चन आई हुई थी, वो बेतिया महारानी का नाम भी, क्या नाम था उनका, वही सेम नेम था, और वो नेम की वजह से जिसे हम लोग जमीन लिए थे उनका भी नाम से एक ही नाम था, जानकी कुंवर, तो उसी की वजह से वो अर्चन आ गया था। वो बाद में वो अर्चन दूर हुआ, वो हम लोग पिटीशन डाले उसके बाद, कहे कि उनके पति का घर या उनके फादर का घर अलग था, जानकी कुंवर महारानी जानकी कुंवर का अलग पता था, वो ठीक हो गया। कितना 71 डेसिमल उसमें दान किया। केसरिया से दीनानाथ पाठक की रिपोर्ट।